लेनोवो का एक लैपटॉप आया था जिसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ उसको हमने कैसे ट्रेस किया, क्या प्रॉब्लम थी वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो ये लैपटॉप है, इसके अलावा कोर्सेस इन्वर्टर, यूपीएस, डीजे, नेटवर्क, सीसीएनए, सीसीएनपी, लाइनेक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आ रहे हैं इनकी चार्जिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं वीडियो। ये लेनोवो का एक मॉडल है और इसमें ये चार्जिंग की दिक्कत थी जिसको हमने पूरा ठीक किया, चार्जिंग नहीं हो रहा था। तो PWM सेक्शन पल्स विथ मॉड्यूलेशन को हमने ट्रीट किया, वहाँ पर कैपेसिटर्स वगैरह की जो प्रॉब्लम थी उसको पूरी तरह से ट्रेस किया और देखिए पूरी तरह से चार्ज होने लगा। मैं हटा के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये और ये, फिर ये देखिए पूरी तरह से लैपटॉप चार्ज हो रहा है। तो हमारे पास कोई भी लैपटॉप हो, किसी भी तरह का हो, चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए लेनोवा है, लेनोवो का मॉडल था, ये देखिए लेनोवो का मॉडल नंबर, ये आपको सामने दिख रहा होगा। इस लैपटॉप को हमने पूरी तरह से रिपेयर किया, रेडी किया और ये कस्टमर के पास जाने के लिए तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम सारे लैपटॉप्स को रिपेयर करते हैं और रेडी करते हैं और उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है उसको शॉर्ट आउट करके कस्टमर के लिए हम रेडी करके देते हैं। तो ऐसे लैपटॉप्स हो कोर्सेज़ के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, किसी भी तरह के कोर्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये लैपटॉप आप देखिए इस तरह से पूरी तरह से रेडी हो गया है और इसमें जो चार्जिंग की दिक्कत थी वो पूरी तरह से शॉर्ट आउट हो गई है। तो चार्जिंग सेक्शन, इसके अलावा लैपटॉप में वोल्ट इन सेक्शन, एसी ड्राइव, एसी ओके, एसी डिटेक्ट हो गया, सारी जो चार्जिंग आईसी बीक्यू सीरीज़ हो या कोई भी सीरीज़ की हो उसके पूरे पिन डिटेल्स, 3-5 आईसी के पिन डिटेल्स, इसके अलावा रेगुलेटर्स के पिन डिटेल्स, लीनियर सप्लाईज जो होती हैं उनकी सारी कहानी, रैम सेक्शन, रोम सेक्शन, सीपीयू सेक्शन से रिलेटेड, इसके अलावा आईओ के सारे पिन डिटेल्स, SLP3, SLP5, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, SMSRC क्या होता है, एसी ड्राइव क्या होता है, एसी डिटेक्ट क्या होता है, इसके अलावा LDO वोल्टेजेस क्या होते हैं, इसके अलावा जो आपका रन वोल्टेज क्या है, सारा डिटेल के साथ लैपटॉप में, मोबाइल में, कंप्यूटर में हम सिखाते हैं। किसी भी तरह की अगर आपको कोई समस्या है लैपटॉप रिपेयरिंग में, ऑनलाइन, ऑफलाइन और वीडियो कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं। आप कोशिश करें कि आप ऑफलाइन कोर्स करें, 15-20 दिन, 1 महीने हमारे पास आएँ ताकि हम टोटल प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें करा सकें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।